हेलो दोस्तों, माय नेम इज जेडन, यू आर वाचिंग जेडन ऑक्सफोर्ड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। हम बात करने वाले हैं शिबा इनु से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है, खबरें हैं, न्यूज़ है, ट्वीट है या ब्लॉग पोस्ट है, सभी के बारे में। बट उससे पहले डैम श्योर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, हिट द बेल आइकन ताकि फ्यूचर में आने वाली कोई भी क्रिप्टो से रिलेटेड न्यूज़ मिस न कर पाए। अभी क्रिप्टो करेंसी में हम बात करने वाले हैं शिबा के बारे में। तो जब शिबा की रैंक चल रही है 34, मार्केट क्रैश होने के बाद भी 34 से 35 नहीं आ गया, ये हम बढ़िया मानवा सकते हैं। इसके अलावा अभी आज के दिन में कोई भी हमें बढ़िया बात देखने को नहीं मिलने वाली। यहां पर शिबा इनु का प्राइस चल रहा है 0.000544 और ये थोड़ा सा 17% प्रॉफिट लॉस में चल रहा है, और जितना लो चल सकता है उतना लॉस लगभग चला गया है। इसके बाद नीचे देख लेते हैं, मार्केट एक दिन का जिस कदर टूटता है वो टूटता ही जा रहा है। लास्ट वाली आप पीक देख सकते हैं, वो लगभग उल्टी हो चुकी है पूरी होकर, और ₹1 में हमें 1628 कॉइन मिल रहे हैं। प्राइस चेंज है 17.5% लॉस में, ट्रेडिंग वॉल्यूम 5% लॉस में, मार्केट कैप है लगभग 0.29% लॉस में, यस्टरडे का चेंज 1.3 प्रॉफिट में है, ऑल द टाइम हमें 78.25% लॉस में है, और ऑल द टाइम लगभग पहले 80 चल रहा था, फिर उसके बाद 74 के आसपास आया, लगभग कोशिश किया, उसके बाद में लगातार वापस टूटता ही जा रहा है। इसके बाद में चलते हैं पहले ब्लॉग पोस्ट पर। इसके बारे में मैंने एक न्यूज़ चढ़ाई है कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से अभी बिटकॉइन क्रैश हो चुका है, तो इसकी वजह से मार्केट टूटा है और उसकी वजह से ये सभी प्राइजेस नीचे जा रही है मेन तो। और इसके बारे में मैंने वीडियो सेपरेटली पोस्ट कर दिया, आप जाकर चाहें तो देख सकते हैं। बिटकॉइन भी लगभग पूरा टूट चुका है, आपको एक बार बता देता हूं, थोड़ा सा ऑफ पॉइंट होएंगे, बट बिटकॉइन जरूरी है यहां पर बताना क्योंकि बिटकॉइन की वजह से ही मार्केट टूटा है और मार्केट की वजह से सारे कॉइन्स भी लगातार नीचे आते जा रहे हैं। बिटकॉइन को भी देख चुके हैं, बिटकॉइन लगभग पूरा टूटा है, हल्का सा टूटा, फिर वापस पंप, फिर लगातार टूटा स्लाइडिंग से, फिर एकदम बड़ा डंप, फिर वापस स्लाइडिंग से डंप, फिर वापस बड़ा डंप, और डंप आया है मेन उसी न्यूज़ की वजह से। तो ज़्यादा पैनिक वगैरह मत होइए अगर ये ऐसा सोच रहे हैं कि अगर मार्केट टूट रहा है और हम बेच देते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ा लॉस यही पर हो जाता है। क्या पता मार्केट का बढ़ने के चांसेस वापस बढ़ जाए, तो क्रिप्टो करेंसीज में कुछ भी हो सकता है, बड़े स्पाइक्स भी दिखते हैं, बड़े हाइप भी दिखते हैं। चलते हैं अगली न्यूज़ पर। FXStreet.com नाम से साइट है जहां पर ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है कि शिबा इनु प्राइस एट रिस्क ऑफ फॉलिंग 50% एज ही फेस मल्टीपल ऑब्स्टेकल्स अहेड। मतलब इसके सामने काफ़ी कठिनाई है और 50% डिप में जाने की संभावना इसकी बनती जा रही है। तो यहां पर नीचे आप देख सकते हैं, एक मिनट आपको बता देता हूं, जो मेन आर्टिकल है वहीं पर चलते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, अ मेजर मूव ऑफ शिफ्ट ट्रायंगल इज अप्रॉक्सिमेटली 51 क्रिएटिंग ए लोअर टारगेट। जहाँ पर एक नया टारगेट बना रहा है नीचे की तरफ जाने का, जहाँ पर 4 की रेंज में आने वाला है यहाँ पर ये कह रहे हैं। और इसके बाद में अपसाइड टारगेट है वो इसका है 1476, ठीक है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंडेक्सेशन एंड लैक ऑफ बाइंग प्रेशर्स, मतलब बाइंग प्रेशर इसका बहुत कम है, मतलब लोग बाय ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, शिबा को ज़्यादा से ज़्यादा बेचने जा रहे हैं पैनिक में आकर, इसकी वजह से मेन प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा नीचे जा रहा है। और शिबा इनु प्राइस कुड बी एट रिस्क ऑफ डाउनवर्ड ट्रेंड, डाउनवर्ड ट्रेंड मतलब और नीचे जाने की इसके संभावनाएं बनती जा रही है, बिकॉज ऑफ द मोस्ट ऑफ द सेलिंग्स, मतलब सेल ज़्यादा से ज़्यादा किए जा रहे हैं, लोग ज़्यादा बाय नहीं कर रहे, इसी वजह से तो इन्फ्लुएंसर्स इसको ज़्यादा से ज़्यादा अप कर रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी इसको होल्डर्स बढ़ाए जा सकें, लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसका अपने में इसमें इनपुट देता कि आउटपुट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा लोग समझ नहीं रहे हैं और लोगों का भी स्वाभाविक है, जिस चीज़ को लॉस में देख रहे हैं हम खुद उसमें क्यों लगाना चाहेंगे। बट यहाँ पर जो आर्टिकल पब्लिश हुआ है इस पर मैं आपको कह रहा हूँ, ये मेरे की खुद की कोई ओपिनियन नहीं है, FXStreet.com नाम पर यह आर्टिकल पब्लिश हुआ है। इसके बाद में चलते हैं ट्विटर पर। 7 घंटे पहले उन्होंने लिखा है, शिबा मैक्स हैड ए ग्रेट लॉन्च, हैप्पी टू बी ए पार्ट ऑफ हिस। 7 घंटे पहले उन्होंने लिखा था, बट अभी तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है इसकी। और लिखा है नीचे, व्हेन द शिबा स्वैप लैंड्स दे विल फॉल इन लाइन। नीचे एक व्यक्ति ने कहा है, वी आर ऑलरेडी 483,000 होल्डर हो गए हैं, और कब अब शिबा स्वैप को यहाँ पर एक्सचेंज पर लिया जाएगा, रॉबिन हुड पर, कॉइन ब्रेस पर वगैरह। तो यहाँ पर ये कहते जा रहे हैं, जहाँ पर डीजे जेवन ने कहा है कि एक बार शिबा स्वैप को आने तो दो, उसके बाद में सभी की लाइन लग जाएगी, ये कह रहे हैं। तो ठीक है, इनका कहना भी लाजमी है, सपोर्ट कर रहे हैं, इस प्रकार के ट्वीट ही सपोर्ट करता है किसी भी क्रिप्टो करेंसीज को। इसके बाद नीचे आ जाता है जहाँ पर इन्होंने कुछ लगाया है, एक व्हाट आर यू बाइंग व्हेन शिबा रीचेस द मून, बी ऑनेस्ट। मतलब इन्होंने कहा है कि शिबा जब मून पर पहुंच जाएगा तो बताइए आप क्या क्या खरीदेंगे। तो आप भी कमेंट डाउन करके बताइए कि सही, एकदम बी ऑनेस्ट होइएगा, तो सच्ची बताइएगा क्या क्या आपको मन में है कि ऐसा ऐसी चीज़ मैं खरीदूंगा। इसके बाद में नीचे आ जाते हैं, एक है, टाइम फॉर मी टू फॉलो समवन फॉर न्यू फॉलोअर बैक, डू दिस इफ़ यू वॉन्ट टू फॉलो, इफ़ यू वॉन्ट मी टू फॉलो यू, ऐसा आपको करना है तो मैं आपको फॉलो करूंगा। इन्होंने लिखा है, फॉलो मुझे फॉलो करिए, रीट्वीट एंड लाइक दिस ट्वीट, इसको रीट्वीट करें और लाइक करें, पोस्ट ए ट्वीट यूजिंग #DJJZY, ठीक है। और इसके बाद में एक पर्सन को इन्होंने फॉलो भी किया, ये पता, ये देख लेते हैं, मोहिन सोनी नाम से पर्सन है, आप देख सकते हैं, ये रहा, मुझे इंडिया नहीं लग रहा है, हाँ इंडिया है, सोजत रोड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, इस लोगों ने फॉलो किया है, यहाँ पर फॉलोड बाई DJJY, रिफ्रेस करके बता देता हूँ, यह सेफ मून आर्मी का ज़्यादा है, लेकिन इसने भी ज़्यादातर ट्वीट किए हैं शिबा के बारे में। अब चलते हैं अगले ट्विटर हैंडलर पर।
तो यहाँ पर किसी ने कहा है कि आई टुक एडवांटेज ऑफ डिस्क एंड बॉट सम शिबा टुडे, इन्होंने और शिबा खरीदे हैं डिप को देखते हुए, और वी ऑल डिड इन अवर ऑन वे, शिबा आर्मी को प्रमोट करते हुए इन्होंने ये लिखा है, काइगन नाम के बॉडी बिल्डर है। यहाँ पर फ्यूचर ऑफ लाइफ इंस्टीट्यूट है एक, जहाँ पर आप देख सकते हैं इन्हें भी ब्लू टिक मिल चुका है, रिफ्रेश करके बता देता हूँ, और जस्टिन सन और विटालिक एथेरियम द्वारा इसको फॉलो किया गया है। इन्होंने नीचे एक ट्वीट किया है, हैप्पी टू अनाउंस है 25 मिलियन US डॉलर्स ग्रांट प्रोग्राम फॉर एक्सीडेंशियल रिस्क रिडक्शन, रिस्क को कम करने के लिए, एनेबल्ड बाय द जेनरोसिटी ऑफ क्रिप्टो पियोनियर विटालिक ब्यूटिन ने और शिबा इनू की कम्युनिटी ने। और इन्होंने एक पोर्टल खोलने का दावा किया है कि पोर्टल खोलेंगे जहाँ पर आप अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं, ताकि शिबा में या फिर कोई भी क्रिप्टो करेंसी में हो गया या फिर विटालिक ब्यूटिन जो एथेरियम के है, तो यहाँ पर इसकी रिस्क की क्वांटिटी को कम करने के लिए यहाँ पर इस पोर्टल को खोला गया है। इसके बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने मजेस्टिक भैया ने लिखा है कि सिब इम्पैक्टिंग ह्यूमिनिटी फॉर द बेटर, शिबा है जो मानवता को और ज़्यादा अधिकृत और ज़्यादा विस्तृत और ज़्यादा अच्छा बनाए रहने में सफल है। नीचे है डायमंड हैंड फॉर पेपर हैंड्स फैग सिब होल्ड, ये तीनों को ही प्रमोट करते रह रहे हैं, और फैग पर मैंने एक वीडियो बनाई है, आप चाहे तो बाय कर सकते हैं, ट्रस्ट वॉलेट पर अवेलेबल है, और होल्ड नाम का कॉइन काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला है, मैं सोच रहा हूँ इस पर एक वीडियो निकाल दें। तो ये थी जब भी जो भी न्यूज़ है, इसके बाद में कोई देख लेते हैं होल्डर्स में, इसमें कोई भी वृद्धि नहीं हुई, 483,688 लगभग थे, लगभग 483,000 तो रात को भी मैंने देखे थे वीडियो जब अपलोड किया था, और अभी भी यही है, इसमें कोई भी ज़्यादा चेंज नहीं आया है हमारे सामने। यहाँ पर हम शिबा विस्परर पर आ गए, यहाँ पर लिखा है एज ऑफ July 1st इंटेग्रिटी मीडिया विल एक्सेप्ट शिबा इज पेमेंट इन एडिक्शन टू USD। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पोस्ट है, यहाँ पर शिबा को इज द पेमेंट एक्सेप्ट किया जाएगा, तो ये हमारे लिए बढ़िया बात होने वाली है। इसके बाद में 6 घंटे पहले इन्होंने वापस लिखा है कि 13 घंटे पहले कॉइन मार्केट कैप ने एक ऑफिशियल किया है पोस्ट ट्रेंडिंग टोकन्स इन अमेरिकाज, जहाँ पर आप देख सकते हैं शिबा इनू आ रहा है 4 नंबर पर, और एशिया वाला मैंने बताया था वहाँ पर 1 नंबर पर आ रहा है, तो ये हमारे लिए बढ़िया बात है। जो भी हमारी खबरें थी हमने कवर कर लिया है, पेमेंट के रूप में एक्सेप्ट होते जा रहा है जल्दी से जल्दी, जो मैंने रात को एक न्यूज़ निकाली थी कि कोलैब हो जा रहे हैं, बर्निंग भी हो जा रही है, और कम्युनिटी स्ट्रांग होती जा रही है, फंड भी मिलते जा रहे हैं, तो सभी के बारे में न्यूज़ एकदम पॉजिटिव निकल के आ रही है। बट प्राइस में क्या पता क्या है, एक चीज़ पर जहाँ पर प्राइस हमें मूव देखना चाहिए ऊपर, वहाँ पर जा नहीं रहा, एक जगह अटक गया है, मतलब बीच में यहाँ पर स्टक हो गया है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। और अभी जो हमने ट्वीट पढ़ा था, पोस्ट पढ़ा था, उस पर यह कहा जा रहा है कि 50% नीचे जाने की संभावना ज़्यादा बनती नजर आ रही है। तो थोड़ा बी अवेयर, और ज़्यादा अभी इन्वेस्टिंग के बारे में सोच नहीं सकते, क्योंकि जिस प्रकार से मार्केट और क्रैश होता हुआ नजर आ रहा है, कोई भी उम्मीदें नहीं दिख रही है अभी प्रॉफिट देखने की। तो वीडियो अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, मेरी मेहनत रास लाई हो, तो लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, हिट द बेल आइकन, ताकि फ्यूचर में आने वाली कोई भी क्रिप्टो से रिलेटेड न्यूज़ हो मिस न करें। जय हिंद, जय भारत।